हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी DRDO, ISRO, DMRC या स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, जो कि आपके टेक्निकल एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो और इस वीडियोस में हम आपको एक और स्पेशल टॉपिक, जो कि आपका लेथ एक्सेसरी से है, ठीक है, उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो लेथ एक्सेसरी से संबंधित सारे भी डाउट आज के आज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेथ एक्सेसरीज होती क्या है। तो लेथ एक्सेसरीज का मतलब है कि लेथ के उपसाधक, यानी कि ऐसे साधन जिसका प्रयोग जो है हम लेथ के कार्य करते समय हम करते हैं, ठीक है, उसकी सहायता के लिए, ठीक है, ताकि और भी हम उसके सारे फंक्शन को कर सकें। तो सबसे जो पहला हमारा है फोरजाचक, ठीक है। फोरजाचक क्या होता है, कह रहा है कि फोरजाचक को इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। इससे अनियमित आकार के जाब को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो फोरजाचक यानी कि इसमें चार जबड़े होते हैं, ठीक है, और ये चारों जबड़े जो है अलग अलग हम इसको इसके की के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो ये चूँकि अलग अलग सेट किए जा सकते हैं, इस वजह से हमको इन्हें इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं, और इनमें फोर जबड़े होते हैं, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, फोरजाचक कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, फोरजा क्यों कहते हैं कि उसमें चार जबड़े होते हैं, और इंडिपेंडेंट चक भी इसे ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चारों जबड़े जो है इंडिपेंडेंट होते हैं अपने आप में, इनको जैसा चाहें उसे जिसको जहाँ चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम फोरजाचक को इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो शुद्धता होती है वो आपके वर्नियर कैलिपर के बराबर ही होती है। तो वर्नियर कैलिपर की जो आपकी शुद्धता होती है वो होती है 0.02 मिलीमीटर, उतनी शुद्धता इसकी भी होती है, फोरजा चक की भी होती है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अनियमित आकार के जाब को पकड़ने के लिए किस चक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि फोरजाचक का प्रयोग करेंगे अनियमित आकार के जाब को पकड़ने के लिए। या दूसरी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोरजाचक का दूसरा नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे कि फोरजाचक का दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट चक। तो क्वेश्चन आपसे कहीं से भी किसी प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है, ठीक है। इस वजह से आपको सारे जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर का, थ्रीजाचक को यूनिवर्सल चक, सेल्फ सेंट्रिंग चक या कंसेंट्रिक चक भी कहते हैं। तो थ्रीजाचक, अब थ्री मतलब तीन, यानी कि इसमें तीन जबड़े होते होंगे, ठीक है। तो सही बात है, इसमें तीन जबड़े होते हैं थ्रीजाचक में, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, थ्रीजाचक कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है यूनिवर्सल चक, सेल्फ सेंट्रिंग चक या कंसेंट्रिक चक भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम हो गए। और इसको यूनिवर्सल चक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीनों जबड़े जो है एक साथ सेट होते हैं, इनको अलग अलग सेट नहीं किया जा सकता, इस वजह से हमको यूनिवर्सल चक या सेल्फ सेंट्रिंग चक कहते हैं। यानी कि किसी एक को हम सेट करेंगे तो उसी के हिसाब से आपके सारे जबड़े अपने आप जो है सेट हो जाते हैं, इस वजह से इसको सेल्फ सेंट्रिंग चक भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, मास प्रोडक्शन में पतले सेक्शन वाले जाब और कंपोनेंट को पकड़ने के लिए मैग्नेटिक चक का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मास प्रोडक्शन क्या होता है। तो मास प्रोडक्शन किसी भी कंपोनेंट या यूनिट का अधिक मात्रा में उत्पादन मास प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट या यूनिट का अधिक मात्रा में उत्पादन मास प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा हो, यानी कि जहाँ पे अधिक मात्रा में आपके प्रोडक्ट बन रहे हो, वहाँ पे पतले सेक्शन वाले जाब हो, ठीक है, जाब जहाँ पे क्या हो मात्रा में बहुत पतले हैं, तो उसी जगह पे हम मैग्नेटिक चक का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर का। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, छोटे ब्याज के जाब को पकड़ने के लिए कॉलर चक का प्रयोग करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज का, यह क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट हो गया है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़। हाँ, क्वेश्चन है कि छोटे ब्याज के जाब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो कॉलेट चक का प्रयोग करेंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर का, मास प्रोडक्शन में एयर चक या हाइड्रिकली ऑपरेटेड चक का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे मास प्रोडक्शन है वहाँ पे हम एयर चक या हाइड्रिकली ऑपरेटेड, यानी कि जो हाइड्रोलिक पावर से चलाए जाने वाले चक का भी प्रयोग हम करते हैं, कहाँ पर, मास प्रोडक्शन में, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर का, लंबे जाब को सहारा देने के लिए लेथ सेंटर का प्रयोग करते हैं। तो जो जाब बहुत लंबा हो उसको सपोर्ट देने के लिए हम लेथ सेंटर का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर का, फेसिंग ऑपरेशन के लिए हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं। तो जो फेसिंग ऑपरेशन है इसके लिए हम हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं, और जो सेंटर्स होते हैं ये अभी आपके क्या है, लेथ एक्सेसरीज ही हैं, यानी कि लेथ के उपसाधक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर का, ऑफसेट विधि द्वारा पेपर टर्निंग के लिए बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि आपका टेक्निकल एक लिमिटेड सिलेबस है, उसमें
कुल आपके लगभग 30, 35, 50 ऐसे करके, मतलब कि कुछ लिमिटेड ही आपके टॉपिक हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उस टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो अगर इतनी हम एम सीरीज़ को हम कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि ये मोर देन यह सीरीज जो है सफिशियंट होने वाली है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 200-2500 क्वेश्चन का डिस्कशन करना, ठीक है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 5 सेंटर का टिप फ्लैट होता है। 8 नंबर बताया, तो 8 नंबर एक बार देख लेते हैं। हाँ, हमें लग रहा है सर हमने नहीं क्वेश्चन कवर किया था। तो 8 नंबर है, ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग के लिए बाल सेंटर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, बाल सेंटर का प्रयोग टिप फ्लैट होता है। तो यहाँ पे सेंटर 2 बार टाइप हो गए इसके लिए, सॉरी। और एक्चुअली जो बाल सेंटर का आप सब पूछ सकता है, बाल सेंटर का टिप कैसा होता है उसका, तो ये आप याद रखिए कि उसका फ्लैट होता है। और एक होता है इसी सेंटर में ही आपका टिप्ट सेंटर, तो इसका जो टिप्ट होता है वह होता है आपका कार्बाइड का बना होता है। तो टिप सेंटर से आपसे पूछ सकता है कि टिप्ट सेंटर का और टिप किसके प्रकार होता है, तो वह कार्बाइड का होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग बड़े व भारी जाब को अधिक स्पीड पर चलाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बड़े व भारी जाब को अधिक स्पीड पर चलाने के लिए कौन से सेंटर का प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर का प्रयोग हेड स्टॉक स्पिंडल पर किया जाता है। तो सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर का प्रयोग हेड स्टॉक पर किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपके हेड स्टॉक जो है आपका लेथ मशीन के बाईं ओर स्थित रहता है, जबकि टेल स्टॉक आपका लेथ मशीन के दाईं ओर स्थित रहता है। हेड स्टॉक को लाइव सेंटर, जबकि टेल स्टॉक को डेड सेंटर हम कहते हैं, ठीक है। आपका हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों में आपके मोस्ट टेपर कटे होते हैं, और इसका जो टेल स्टॉक का जो सेंटर होता है वह 60 डिग्री होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, स्टडी रेस्ट का प्रयोग पतले लंबे जाप को अतिरिक्त सहारा देने के लिए किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। स्टडी रेस्ट का प्रयोग जो है हम पतला कोई जाप हो और वो लंबा हो तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई जाप पतला हो और वो बहुत लंबा हो तो उसके एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो स्टडी रेस्ट का प्रयोग करेंगे। यह भी एक प्रकार लेंथ एक्सरसाइज ही हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट को फॉलोअर स्टडी रेस्ट भी कहते हैं। तो जो ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट है इसका दूसरा नाम फॉलोअर स्टडी रेस्ट भी है, ठीक है, क्योंकि यह कैरियज के साथ में चलता है, ठीक है। और एक होता है आपका फिक्स स्टडी रेस्ट, तो फिक्स स्टडी रेस्ट जो होता है इसमें 3 आर्म होती हैं और यह जो है आपका लेथ मशीन के बेड पर फिक्स किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ट्रैवलिंग स्टडी को फॉलोअर स्टडी रेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कैरियज के साथ में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं कैरियज को, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट का प्रयोग स्क्वायर और हेक्सागोनल रॉड को सहारा देने के लिए रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यह सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्क्वायर और हेक्सागोनल रॉड को सहारा देने के लिए कौन से स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग जाब को सेंटर की टर्निंग करने के लिए किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो ड्राइविंग प्लेट है वह जॉब को सेंटर की टर्निंग, कोई जॉब है उसकी सेंटर की अगर टर्निंग सेंटर में उसकी टर्निंग करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, अनियमित आकार के यानी कि इरेगुलर शेप, ठीक है, अनियमित आकार के जॉब की टर्निंग के लिए फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अनियमित आकार के जॉब की टर्निंग करने के लिए हम फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, बाहरी ब्यास की मशीनिंग करने के लिए लेथ मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे बाहरी ब्यास की मशीनिंग करनी हो वहाँ पे लेथ मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन DMRC 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो जहाँ पे चाहे आपसे ये पूछे कि बाहरी ब्यास की मशीनिंग करनी हो, ठीक है, या आपके पुली वगैरह से पूछ सकता है क्वेश्चन कि पुली की करनी हो तो वहाँ पे भी आपका आंसर होगा मैंड्रिल, पुली की मशीनिंग करनी हो तो वहाँ पे भी आपका आंसर होगा मैंड्रिल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि खोखले जाप को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अभी आप याद रहिए खोखले जाप को सहारा देने के लिए हम मैंड्रिल का ही प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन कई प्रकार से आपसे घुमा के पूछा जाता है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो आप याद रखेंगे कि बाहरी ब्यास की मशीनिंग करने के लिए हम लेथ मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं, खोखले जाप के ब्यास की मशीनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं, या पुली वगैरह की मशीनिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मैंड्रिल का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे मैंड्रिल से संबंधित। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, टूल मेकर्स बटन टूल स्टील से बनाए जाते हैं। तो टूल मेकर्स जो बटन है ये टूल स्टील से बनाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, क्विक चेंज टूल पोस्ट अच्छी सुदृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि रिजिडिटी, यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि टफनेस या उसकी पकड़, ठीक है,
जो टूल क्विक चेंज टूल पुस्ट है इसे हमें अच्छी सुदृढ़ता या पकड़ प्राप्त होती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 920 नंबर का, लाइफ सेंटर की नोज का शीर्ष कोण यानी कि 60 डिग्री होता है, आप याद रखिएगा। डेड सेंटर और लाइफ सेंटर हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि जो आपका हेड स्टॉक होता है उसको लाइफ सेंटर, जबकि जो टेल स्टॉक उसको डेड सेंटर हम कहते हैं, और लाइफ सेंटर की नोज का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, थ्री या चक की साइज को चक की बॉडी के व्यास के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो जो थ्री या चक होता है उसका साइज अगर लिया जाए तो उसके चक की जो बॉडी होती है, ठीक है, तो उसके व्यास के द्वारा लिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, लेथ की क्षमता को स्विंग और सेंटरों के बीच की दूरी से व्यस्त किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, लेथ की क्षमता को यानी कि लेथ की क्षमता कितनी है उसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो स्विंग और सेंटरों के बीच की दूरी। स्विंग क्या होता है, तो लेथ के ऊपर जितने अधिक से अधिक डायमीटर का जब को पकड़ सकते हैं वह उसकी स्विंग कहलाती है, और दो सेंटरों के बीच की दूरी यानी कि लेथ लाइफ सेंटर और डेड सेंटर के बीच की दूरी को ही हम क्या करते हैं, इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, लेथ की स्पेसिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, हाफ नट एप्रॉन का अलग होने वाला पार्ट है, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे कई सारे एग्जाम पूछा गया है कि क्या है हाफ नट है, तो क्या है, तो एक एप्रॉन का डिटर्जेबल, ठीक है, इसको अलग होने वाला याद रखिएगा, डिफार्चेबल ऐसा कुछ इंग्लिश होता है इसकी, तो यहाँ पर याद रखिए कि हाफ सेंटर जो है एप्रॉन का एक अलग होने वाला पार्ट है, इसको हम अलग कर सकते हैं। हाफ सेंटर हाफ नट का प्रयोग हम थ्रेडिंग के समय भी करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और आपका जो लेथ मशीन का लीड स्क्रू, इसका प्रयोग भी हम क्या करते हैं, थ्रेडिंग करने के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, लेथ में कैरिएज रोटेशन के अक्ष के समांतर घूमता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लेथ में कैरिएज की दिशा क्या होती है या किस प्रकार से घूमता है, वो मूव करता है। तो लेथ में कैरिएज जो है आपका रोटेशन के अक्ष के समांतर घूमता है, किसके समांतर, अक्ष के समांतर घूमता है, ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है, लेथ के टेल स्टॉक में मोस्ट टेपर दिया जाता है। तो ये तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि लेथ मशीन के टेल स्टॉक में मोस्ट टेपर दिया जाता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और मोस्ट टेपर कहाँ दिया जाता है, आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो हमने कवर किए हैं। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ जानकारी प्राप्त की होगी और काफ़ी कुछ आपने रिवाइज भी किया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। उम्मीद है आपने बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर ली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।